भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाई संदीप बड़ौदा जी। तो भाई 105 गांवों से लोग जाएंगे इस यात्रा पर, इसके बारे में। खटखट टोल प्लाजा के अंतर्गत 105 गांव आते हैं इसके लगते हुए, और सभी गाँव से मिट्टी और जल लेकर युवा साथी, किसी गांव से 5 किसी से 10 साथी, लगभग 800-900 की संख्या है साथियों की, वो तीनों बॉर्डरों पर दिल्ली की, जहाँ पर हमारे किसान बैठे हैं 8 महीना तक, वहाँ पर पेड़ लगाए कहेंगे उस मिट्टी में। और टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, तीनों बॉर्डरों पर जाएंगे। पैदल यात्रा है, पैदल यात्रा भाई जी। सरकार पर क्या फर्क पड़ेगा इस बात का, क्योंकि सरकार युवा भागीदारी कम है न्यू क्या? ये तो देखो, मन तो सारे लग रहे थे युवा, एक बात तो वही हमारे बड़े बूढ़िया ने हमें पैर दिए, पड़ोस दिए, उनकी जिम्मेवारी उन्होंने निभा दी, लेकिन ये जो फ्यूचर है, जो भविष्य है, वो इन पर डिपेंड कर रहा है युवा साथियों पर। इब कई साथी पहले तो डर रहे हैं, क्यों आंदोलन में के होया करता, जितने भी युवा साथी थे उन पर केस लाए दें दे, धमकी मिला कर दी, लेकिन इब वो डर ऐसे ऐसे इनका घटन लग गया कि ये जो प्रशासन है ये गलत हरकत कर रहा है, ये अपनी कमी में कर रहा है। सिंधू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, तीनों बॉर्डर पर जाएंगे भाई। अच्छा, अपने इसके बारे में बताओ भाई, कुकर शुरू कराया और फिर इसका उद्देश्य क्या है? भाई जो है मोदी जी हमारे, जो ये काले जो कानून है, 3 कानून वापस नहीं ले रहे, इसको वापस लेकर जाएंगे भाई। पहले भी कह चुके हैं भाई मोदी जी, आप काले कानून वापस लो, फिर ये वापस नहीं ले रहा। इसके लिए इसको वो कह रहा है कि भाई युवा साथ नहीं है, हम युवाओं का जोश दिखाने के लिए आज दिल्ली बॉर्डर पर, दिल्ली जा रहे हैं तीनों बॉर्डर पर, उसको ये भी पता लग जाएगा भाई जिंदगी ताकत क्या है। युवा शक्ति का प्रदर्शन होगा एक आंदोलन में, जो कावड़ लिया कर दे, धर्म की बात आ कर दी, तो धर्म की बात जुड़ेगी कि जैसे पहले ये था भाई सामने के महीने में हरिद्वार से कावड़ लेके आते थे, अब की बार हमने रीत बदल दी, हम यहाँ से कावड़ लेके जाएंगे मिट्टी और गंगा जल, और हम वहाँ लेके भी गए हैं, और आज फिर से एक बार फिर से मोदी जी को ये बताने जा रहे कि भाई युवाओं का जोश क्या है, वो उसको पता लग जाएगा भाई जीन जिले की ताकत क्या है युवाओं की, वो हमको कमज़ोर समझ चुके थे, लेकिन उनको आज पता चल जाएगा भाई युवाओं में कितना जोश है। कितने जने जाओगे तो? भाई हम गांव से 10 लड़के आए हैं और 6-7 हमारे साथ बड़े बुजुर्ग हैं, 6-6 ताऊ हमारे साथ, टोटल 105 गांवों की डाक जाएगी यहाँ से भाई। नाम क्या भाई? अंकित नाम है भाई मेरा, अंकित दलाल। भाई मैं सुनील सियाग, गांव दुर्जनपुर, किसान एकता मंच युवा अध्यक्ष उचाणा। सबसे पहले जो टिकरी बॉर्डर पर कावड़ गई है वो गांव दुर्जनपुर से गई है, और किसान एकता मंच की तरफ से सभी युवा साथियों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। पहली कावड़ है टिकरी बॉर्डर पर, 2 कावड़ गई गांव दुर्जनपुर से, जो 8 घंटे में दुर्जनपुर से टिकरी बॉर्डर पर लगा दी है, और वहाँ पर जल और मिट्टी चढ़ाकर त्रिवेणी भी लगाई है बच्चों ने। तो इसका के मतलब है भाई, के जताना चाहो इन यात्राओं के द्वारा? यात्राओं के द्वारा मोदी जी को युवाओं की शक्ति, कितनी शक्ति है युवाओं में, कितनी ताकत है, वो इतनी धूप गर्मी में, बारिश में भी कैसे नंगे पांव दौड़ कर दिल्ली तक इतनी ताकत अब लगा सकते हैं, तो मोदी जी की टक्कर लेने के लिए ये युवा ही काफी हैं। कुछ भी कर सकते हैं युवा, ये युवा कुछ भी कर सकते हैं। धन्यवाद भाई, हमारे चैनल तो बात। थैंक यू भाई।